શહેરમાં વિજય દિનની ઉજવણી પરમવીર ચક્ર પ્રાપ્ય યોગેન્દ્રસિંહની હાજરીમાં ધૂમધામથી કરવામાં આવી તથા આ પ્રસંગે શૌર્ય યાત્રાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે શહેરના મુખ્ય માર્ગો પરથી નીકળી હતી. ભાવનગરમાં વિજય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. 1971 સામેની પાકિસ્તાન સામેની જંગમાં ભવ્ય જીતમાં ભારતીય સેનાના પરાક્રમને વધાવવા 16 ડિસેમ્બરને વિજય દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. ત્યારે આ દિવસની ભવ્ય ઉજવણીમાં ભારતીય સેનાના સર્વોચ્ચ સન્માન પરમવીર ચક્રથી સન્માનિત યોગેન્દ્રસિંહ યાદવ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રિયલ લાઈફના આ હીરો કે જેમની બહાદુરી પર દેશવાસીઓ ગૌરવ કરી રહ્યા છે તેવા જાબાજ યોગેન્દ્રસિંહ યાદવની સાથે શૌર્ય રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં યુવાનો જોડાયા. આ યુવાનો હાલે ખાનગી ટ્રેનિંગ શાળામાં ભારતીય લશ્કરમાં જોડાવાની તાલીમ લઈ રહ્યા છે અને આવનારા દિવસોમાં આ તમામ ભારતીય સેનાનો હિસ્સો બનવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારે આ ભાવિ સૈનિકો આ ખાસ દિને માર્ગો પર મન મૂકીને નાચ્યા ઝૂમ્યા હતા. ભારત એ યુવાનોનો દેશ છે અને યુવાનોએ માત્ર રૂપિયા કે ખ્યાતિ માટે નહીં પણ દેશની સેવા કાજે સૈન્યમાં જોડાવવું જોઈએ તે માટે સૈન્યની ત્રણેય પાક પૈકી કોઈ પણમાં જોડાઈ દેશની સેવા કરી શકાય. ओके सर, पहले आपकी पहचान. हाँ, मैं सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र विजेता, कारगिल युद्ध. मैं भावनगर की धरती को नमन करता हूँ और भावनगर की जनता का स्नेह, प्यार, सम्मान, इस सब का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ और सबका आभार व्यक्त करता हूँ. विशेषकर शर्मा जी, जिन्होंने इस भावनगर की धरती पर मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं इस धरती को नमन कर सकूं. मैं इनकी पूरी टीम को और पूरे भावनगर वासियों का हृदय से आभार करता हूं. सर, खास आप यहां आए हैं, आज की युवा पीढ़ी के लिए आप पहले तो क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जो हमारा एक्स सर्विसमैन की एक जो पुराने योद्धा हैं भारतीय सेना के, उनकी तरफ से और मैं जो यहाँ पर इन्वायरमेंट पैदा किया जा रहा है, क्योंकि देश की जो ताकत है वो देश की ताकत युवा है और युवाओं के अंदर अगर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होगी तो हमारा देश सशक्त, समृद्ध
और शक्तिशाली बन जाएगा। मैं यूथ को यही कहना चाहता हूँ, देखो कैरियर चुनने के बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे जो है विकल्प हैं, वहाँ सिर्फ आप कैरियर में सिर्फ आप जॉब करेंगे जॉब, और उससे पैसे होंगे, जॉब होगी पैसे होगा। लेकिन अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस है, उसमें जो सेवा होती है, सेवा, सेवा का मतलब अपना त्याग, एक प्रेम, एक लगाव, जिसमें अपने कार्य को करते हुए अगर प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो हंसते हंसते दे दे। देखिए रोज हजारों लोग मरते हैं, कौन जानता है, लेकिन वतन पर अगर एक भी मरता है तो पूरी दुनिया जानती है। ये बड़ा खुश नसीब होते हैं वो लोग जो वतन के काम आते हैं और उनका जीवन सफल हो जाता है धरती पर आने के बाद। यही भाव और भावना जगाने के लिए मैं भावनगर आया, और भावनगर के यूथ के अंदर एक जोश और जुनून है जो अभी मैं देख करके एक रोड शो के दौरान मैं देखा है। इस यूथ को नमन है मेरा, और मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ कि भावनगर ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात के अंदर ये हमारे एक्स सर्विसमैन की टीम एक क्रांति पैदा कर देगी। जो आज कहते हैं गुजराती बहुत फौज में कम होते हैं, आने वाले समय के अंदर पूरी फौज के अंदर गुजराती ही गुजराती दिखाई देंगे, ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है। और मुझे फख्र है कि गुजरात की धरती पर इतने बड़े बड़े शूरवीर योद्धा, महात्मा गांधी जैसे एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने देश को आज़ाद करा दिया, आज इसी धरती के कुछ ऐसे लोग और आगे बढ़ेंगे और आज तो देश को संभाले हुए भी हैं। और ये मैं यूथ की बात करूं तो ये यूथ के अंदर भी इतने बहुत सारे महात्मा गांधी ऐसे जैसे लोग छुपे हुए हैं जो आगे चलकर के अपने गुणों का, अपने व्यक्तित्व का निखार करके अपने कर्मों को अच्छे रास्तों पर करके और एक देश, प्रदेश का नाम देश और दुनिया के अंदर अलग से एक उनका इतिहास बनाएंगे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं यूथ को यही कहूँगा कि कहीं पर भी रहिए, फिर ये कह रहा हूँ कि कहीं पर भी रहिए, लेकिन राष्ट्र और राष्ट्रवासियों को किसी भी काम को करने से पहले जरूर याद कर लीजिए। अगर आप इस भाव से काम करेंगे तो कभी भी किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। और जब आप लोग ईमानदारी, वफादारी के साथ किसी काम को करोगे तभी हमारा राष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार जैसा जो है ये खत्म होगा और हमारा राष्ट्र समृद्ध, सशक्त और स्वच्छ बनेगा, जो हमारा देश की मुहिम है, भारत सरकार की मुहिम, हमारे दुनिया के अंदर। क्योंकि अगर स्वच्छता होगी तो स्वस्थ अच्छा होगा, लोग ज़्यादा दिन तक काम कर सकते हैं, देश की जो इकोनॉमी हमारी बीमारी के ऊपर खर्च होती है वो शिक्षा के ऊपर खर्च होगी, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, लोगों के अंदर एक सोच का डेवलपमेंट होगा और उनका व्यक्तित्व के अंदर निखार होगा, उनकी संस्कृति बनेगी और देश और दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की एक अलग पहचान बन सकती है। तो थैंक यू, जय। शौर्य रेली शहેરના માર્ગો પરથી પસાર થઈ હતી, જ્યારે ધ રીઅલ હીરોને નિહાળવા લોકો ઉમટી પડ્યા હતા અને દેશભક્તિમય વાતાવરણ સર્જાયું હતું। કે એમને કેવી રીતે આ પરાક્રમ કર્યા અને કેવી રીતે શું થયું હતું એની પહેલા હું માનનીય એસપી સાહેબ શ્રીને ભાવનગર પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે આયોજિત પ્રોગ્રામમાં ઉપસ્થિત મુખ્ય અતિથિ તરીકે યોગેન્દ્રજી, અમને ભાવનગર જિલ્લા પોલીસના તમામ ડીવાયએસપી શ્રી, પીઆઈ શ્રી, પીએસઆઈ શ્રી, પોલીસના જવાનો, એનસીસીના કેડેટ્સ, ભારતની ફોજ છે આના ત્રણ પાર્ટ છે, થલસેના, વાયુસેના, જલસેના। યા યોગેન્દ્રજીના મુખારવિંદથી આપ આની વીરતાના જે કિસ્સાઓ છે એના કારણે કારગિલ યુદ્ધ દરમિયાન આપને પ્રવીણ ચક્રથી સન્માનિત કરવા, સમાજ ખાતર, આપણા નાગરિકો ખાતર, આપણે પણ જીવનમાં કાંઈ એવું કર ગુજરીએ કે ઇતિહાસમાં અમર થઈ જઈએ એવી પ્રેરણા બલ્કિ સમાજ ઓર રાષ્ટ્ર કે લિયે કરતે હૈ તો હમે અપને આપ મે બહોત ગર્વ હોના ચાહિયે કે હમ પ્રદેશ કે સૈનિક હૈ
और हमारा जो दायित्व बनता है, हमारा जो कर्तव्य बनता है कि अपने राष्ट्र हिंदुस्तान की आजादी से पहले हिंदुस्तान ने बहुत सारे युद्ध लड़े जिनमें हमारे हिंदुस्तान के नौजवान इतिहास रचा था। फिर आजादी के बाद 1948, 62, 65, 71 में वीरता और पराक्रम को दिखाया गया, लेकिन उनका प्रचार और प्रसार करने के कोई इतने बड़े साधन नहीं थे। रंजीत सर का स्वागत करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे परमवीर योद्धा योगेंद्र सिंह जी को कि वो रंजीत सर का स्वागत। ये सारे जवानों ने बड़ी शिद्दत से योगेंद्र सिंह जी को मिलना चाहा था और आज भगवान उन्हें इस धरती पर लेके आया है। ये वापस कार्यक्रम के लिए तैयार हो गए। मारू नाम एम के शर्मा अने जन विकास परिषद સંસ્થાના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે છું. સર, મારી ખાસ પૂછવા માંગીશ કે આજે પરમવીર ચક્ર વિજેતા યોગેન્દ્ર યાદવ ભાવનગરની મુલાકાતે છે, ખાસો યુવાઓ માટે અનોખો ઉત્સાહ છે, શું કહેશો? ખરેખર યોગેન્દ્રસિંહજી યાદવ પરમવીર ચક્ર વિજેતાને આપણે યુવાનો માટે જ બોલાવ્યા છે, જેથી કરીને ભાવનગરમાંથી વધુમાં વધુ લોકો આર્મીમાં જોડાય, સાથે સાથ જે દેશભક્તિની મને એમ લાગે છે કે વધુ દેશભક્તિ આવી જોઈએ લોકોમાં, એ દેશભક્તિની જાગૃતતા લાવવા માટે આપણે પરમવીર ચક્ર યોગેન્દ્રસિંહજીને અહીંયા આમંત્રણ આપેલ છે.